नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सिंपल ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों आज है 15 नवंबर और आज मैं कई दिनों के बाद दोस्तों वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आपको अपनी गार्डन, किचन गार्डन एक्चुअली दिखाऊंगी कि मैंने किचन गार्डन में अपने क्या क्या चीज़ें ग्रो की हैं जो कि खाने पीने के लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सौंफ से। ये देखिए, ये फेनल सीड्स, ये सौंफ मैंने ग्रो किया है और इसका वीडियो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि किस तरीके से ग्रो किया है। और ये तो खैर गाजर के सीड्स मैंने यहाँ पे एक ऐसे डल गया था, तो ये गाजर का मतलब ये पौधा है, मैंने ये ग्रो नहीं किया है, पर ये जो है सौंफ मैंने ग्रो की है। तो एक तो ये हो गई। दूसरा दोस्तों ये हल्दी है। हल्दी हम इस मैं जो है ना इसके पहले 3 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और अब ये फिर से हार्वेस्टिंग के लिए हो गई है। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। और मैंने ये गत्ते में ही लगाई हुई है, ये जो है ना गत्ता है। इसको अभी बस मैं बहुत जल्दी हार्वेस्ट करने वाली करूँगी क्योंकि मुझे इधर बीच बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसको मैं नहीं हार्वेस्ट कर पा रही थी। तो सेकेंड तो ये हो गया और इसके पहले भी जो हार्वेस्ट कर चुकी हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सब यहाँ पे ऐसे बकेट में लगाया हुआ है, तो ये सारी हल्दी इसी में सुरक्षित है। जब इसके फेवरेबल थोड़ा सा मौसम होगा ना, अपने आप ही यहाँ से पत्ते निकल आएंगे। ये देखिए, ये सब यहाँ भी लगा दिए, बहुत हल्दी है, ये सब अंदर हल्दी ही हल्दी है। ये देखिए सब, मुझे जब चाहिए होती है मैं यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ, निकाल के अपना यूज़ करती रहती हूँ। उसके बाद दोस्तों थर्ड है, ये देखिए पॉली बैग में मैंने ये अदरक लगाई है। ये अदरक ये इधर लगाई है और ये बकेट में लगाई है, ये है, ठीक है। फोर्थ है दोस्तों, ये देखिए हरा प्याज है, स्प्रिंग ओनियन। ये सब सब मैंने ये गत्ते में ही लगाया हुआ है और ये इसमें मेरा किचन का सॉरी किचन का नहीं है, ये यहाँ गार्डन का कूड़ा कचरा भरा हुआ है। तो ये हो गया फोर्थ नंबर पे मेरा। ये बहुत अच्छा सब लग गया है, ये देखिए बहुत सारे लगे हैं। ये हरा प्याज है और इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने सलाद के जो पत्ते हैं, ये वाला जो थर्मोकोल का बॉक्स है इसमें क्या है ना कि ये अभी मैंने ना धनतेरस वाले दिन ही लगाया है। इसका भी ये देखिए दो तरह के लगाए, एक हरे वाले लगाए हैं ये वाला और एक ये डार्क वाला लगाया, तो दो लगाए, आपको वीडियो बाद में बना के बताऊंगी। इसको तो खैर थर्मोकोल में लगाया और इसमें जो है किचन वेस्ट भी है और इसमें नीचे गार्डन वाला कूड़ा कचरा भी है। और ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें दो चीज़ें मैंने लगाई हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये मेरा पुदीना लगाया है, ये भी थर्मोकोल के बॉक्स में लगाया है। और ये है गोभी, देखिए छोटी सी गोभी है, ये देखिए। अभी दोस्तों बिल्कुल मैं अपने गार्डन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो आपको मैं दिखाऊँ। ये है अलसी, ये देखिए ये अलसी के पौधे हैं, अलसी फ्लैक्सीड जो होती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने पालक भी लगाई थी और काफ़ी कुछ तोड़ ली है, जिससे कि मैंने मतलब इसमें लगाई थी, इसी में से तोड़ तोड़ के मैं यूज़ करती रहती हूँ। इसके बाद है ये देखिए मेथी। मेथी तो दोस्तों बहुत बहुत अच्छी निकली है, ये देखिए। इसको आप अपना आराम से ऐसे छोटे छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं और ऐसे आप तोड़ते रहिए, बस इसको पूरा पूरा जड़ से मत निकालिए, आप देखेंगे कि फिर से खूब पत्तियाँ निकल आएंगी। ये देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, हैं तो करीब 12-13 चीज़ें थी, मैंने काउंट की थी लेकिन अब मुझे मैं काउंटिंग वाउंटिंग नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, ये धनिया, मैंने धनिया लगाई है, ये भी ऐसे छोटे से इसमें लगाई है। इसके बाद है ये हो गया टमाटर, है ना, ये टमाटर है। और ये है अजवाइन, ये देखिए इसकी इसकी पत्तियों की खुशबू अजवाइन जैसी होती है। इसको हम ड्राई करके और इसको सुखा करके मतलब ड्राई करके पीस लें, तो ऑर्गेनो जैसे जो कुकिंग में चीज़ें यूज़ होती हैं कई बार हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनो की तरह से। और जो अजवाइन के सीड्स होते हैं वो ये नहीं है, ये पौधा अलग है, इसमें इसकी पत्तियों में खुशबू होती है, लेकिन जो अजवाइन होती है वो जो मसाले वाली होती है उसकी पत्तियां दूसरी होती हैं।
वो और ये अलग अलग होता है। एक यहाँ पे और ये लगी हुई है, ये देखिए गिलोय। इसके बाद है दोस्तों मेरी सेम, और सेम भी बहुत अच्छी चल रही है। ये भी देखिए पॉली बैग में ही लगाया है, कोई ग्रो बैग या कुछ नहीं है, सिंपल सा एक पॉली बैग है, उसमें लगाया, बहुत अच्छी चल रही है। बस यही है कि समय की कमी के कारण बस थोड़ा सा मैं ज़्यादा और कुछ अभी ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों मैंने लास्ट एक बार जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी उस टाइम मैंने चुकंदर है, आपका मूली है, ये सारी चीज़ें गमले में ग्रो की थी और इतनी अच्छी ग्रो हुई थी। ये देखिए अब जैसे ये सेलेरे है, अब इसको मुझे एक बड़े गमले में लगाना है तो उसको मैं लगा दूंगी, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा बड़ा गमला चाहिए होता है, ऐसे छोटे से गमले में लगा हुआ है ये। देखिए दोस्तों अभी मैं कुछ दिनों से, बिल्कुल कई दिन हो गए, ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने गार्डन में, और उसका नतीजा है ये देख रहे हैं ना, ये उसी का नतीजा है। अब ये इसको मुझे ठीक से, ये देख रही, यहाँ पे ऊपर से था तो हाथ से सॉफ्ट थी, हटा दिया, ये शक्कर है, ये शक्कर होती है, इसको बिल्कुल रहने नहीं देना चाहिए, नहीं प्लांट ये वाला ख़त्म हो जाता है गुलाब का। बाकी मेरा सभी गुलाब बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये देखिए बर्ड्स देखिए क्या कमाल की बर्ड्स हैं, और ये सब कटिंग वाले प्लांट में हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों जो जिस प्रूनिंग की थी ना इस वाले मेरे गुलाब में, तो इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये देखिए बड भी आ गई एक। तो बस दोस्तों आज ना वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि थोड़ा सा ना आपको अपने गार्डन का हालचाल दे दूँ, मैंने क्या क्या लगा रखा है, और जल्दी मैं बस फिर से वीडियो बनाऊँगी और आपसे मिलूँगी। एक दोस्तों हालांकि ये किचन गार्डन से रिलेटेड नहीं है, पर आपको मैं बताऊं, ये जो अपराजिता है ना, इसकी ब्लू टी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही, मैंने उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, और ना इसको मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। अरे ये जो है कलर देने के लिए, फूड कलर जैसे ब्लू कलर देना है ना, उसमें यूज़ होती है। तो चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी फर्टिलाइज़र के बारे में कोई जानकारी चाहिए या फिर किसी पेस्टिसाइड के बारे में चाहिए। ये देखिए ये मेरा बिल्कुल घरेलू वाला पेस्टिसाइड है, यही सारी चीज़ें मेरे गार्डन में चलती हैं, बिल्कुल घर में आसानी से मिलने वाली हैं। चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे, धन्यवाद। और भी आपको फ्लावर्स दिखा दूँ मेरे दोस्तों, इस समय बिल्कुल शाम होने वाली है और बहुत ज़्यादा इस समय रोशनी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा जैसे ना अंधेरा भी हो रहा है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, अब ना इन लोगों को प्रून करने का भी टाइम आ रहा है, क्योंकि अभी तक जब तक ये फूल आ रहे हैं तब तक मैं प्रून नहीं कर रही हूँ। अब जैसे ये देखिए ये वाला नाग चंपा है ना, इसको प्रून करना पड़ेगा, जब तक देखिए अभी तो आ ही रहा है, अभी कहाँ आसमान में पहुँचता जा रहा है, ये तो इतना लंबा हो गया है, काफ़ी हाइट हो गई है इसकी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। ये देखिए, धन्यवाद।